ये क्या मटेरियल है? थर्माकोल। सर ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है बायोडिग्रेडेबल? ये बायोडिग्रेडेबल ही होगा ये तो। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब कि ये हो जाएगा, ये इसको आप डिकम्पोज कर सकते हो या नहीं कर सकते, ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली है या नहीं है? वैसे लाइट दिख रहा है वैसे प्लास्टिक, प्लास्टिक ही एक तरह है, ये सेकंड बैंड कैटेगरी है आफ्टर प्लास्टिक। ओके, अगर इसको 2000 साल भी आप नीचे दफना दोगे ना जमीन के, तब इसका कुछ गलेगा नहीं, गलेगा नहीं ये। ओके, जलाओगे तो अलग ही लेवल पे पोल्यूशन, पोल्यूशन बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है। तो एक बार आप ही के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं कि इसके साथ क्या हो सकता है जी, फिर आगे बढ़ते हैं। आप हथेली में ठीक है, मैं देखता हूँ, मैं मीटिंग में हूँ, करता हूँ कॉल में। ओ बंद कर दे यार, अभी इतना पंखे की जरूरत है, कॉल बैक करता हूँ। तब तक देखेंगे ये क्या हो रहा है, मैं कॉफी पीऊंगा। आपको ये ऑब्जर्व करना है सर, ये थर्मोकोल जो कुछ नहीं हो सकता क्लेम करती है पूरे दुनिया, उसके साथ क्या हो रहा है? ऑलमोस्ट डिसॉल्व हो चुका है, 30 सेकंड और दो सर ये खत्म ही हो जाएगा। सर कॉफी पीते रहो, बिल्कुल ठंडी भाई, थर्मोकोल के चक्कर में। नहीं नहीं कोई नहीं, ये आज हमें बहुत ही यूनिक चीज देखने को मिल रही है भाई। वाह, ये ऑलमोस्ट बबल्स रह गए हैं, बाकी मटेरियल जो था थर्मोकोल वो ऑलमोस्ट टिश्यू पेपर ऑलमोस्ट खत्म है। सो बिल्कुल अब ये बिल्कुल डिसॉल्व हो चुका है। अब सर समझने वाली ये बात है कि ये हमारी जिंदगी में इसका बेनिफिट क्या है, हम अपनी जिंदगी से इसको रिलेट कैसे कर सकते हैं? सर जो हार्ट की तरफ जो हार्ट की सप्लाई को रोकती है, रुकावट बनती है, जो ट्राइग्लिसराइड्स हो गया, बैड कोलेस्ट्रॉल हो गया, जो भी गंदा चीजें हो गई रास्ते में जी, उसकी 95% प्रॉपर्टीज उस बैड कोलेस्ट्रॉल की थर्मोकोल से मिलती है सर। ये जो चीज जिसने थर्मोकोल को गलाया ये कुछ और नहीं, ये फ्लेक्स ऑयल की कैप्सूल्स थी। ओके, हिंदी में इसको कहते हैं अलसी के बीज, ये कॉन्सेंट्रेटेड वर्जन है अलसी के बीज का। एक कैप्सूल 500 mg की है और एज पर डॉक्टर्स फॉर एडल्ट्स 2 कैप्सूल लेनी है पर डे। 1000 mg आपके अंदर गई तो जिंदगी में कभी आप कुछ और हो या ना हो हार्ट अटैक से नहीं मरोगे, ये हार्ट का इंश्योरेंस है सर। ब्लॉकेज नहीं होगी किसी, ब्लॉकेज नहीं होगी, वो धीरे धीरे उसको निकालता रहेगा क्योंकि इसके अंदर जो मटेरियल है वो हमारे जो वॉल्स हैं उसमें जो चिकनाई सफाई वो क्लीन हो जाएगा, वो कभी जो सप्लाई जा रही है हार्ट को उसमें रुकावट नहीं होने देगा किसी भी चीज की, उस गंध को ये साफ करता रहेगा। अब इंसान के दिमाग में ये आता है, क्वेश्चन आते हैं लोगों के कुछ कि अलसी के बीज है यार, हम बाहर जाकर भी मार्केट से जाकर भी खरीद सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है, सिर्फ ये ही चीज क्यों ले? तो सर उसमें ना 2 लिमिटेशंस हैं, अच्छी बात है आप ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, बाहर सर मार्केट में प्रॉब्लम ये है
कि आप जाकर अच्छे मन से खरीद के तो ला सकते हो, बट जो हाथ में आपकी चीज आई उसका पैदावार आपके हाथ में नहीं था। आपको जो दे दिया आपने लेकर आ गए, अब वो उसमें केमिकल्स डल के वो पैदावार हुई, वो इंसेक्टिसाइड्स डल के, पेस्टिसाइड्स डल के, क्या डल के पैदावार हो रही है आपके हाथ में नहीं है। तो हो सकता है जिस काम को हम करने के लिए तसल्ली दे रहे हैं वो पर्पस ही सॉल्व ना हो। बिल्कुल सही बात है। दूसरा रीजन ये है कि अगर आप गारंटी लेते भी हो कि नहीं यार मैं कहीं से ऐसा लाया हूं जो ऑर्गेनिक वे में बनी है और मैं उसको मतलब कंज्यूम करूंगा, उसमें सर एक बहुत बड़ा चैलेंज यह आ जाएगा कि 500 mg की डोज है, दो डोज मतलब 1000 mg। 1000 mg अगर आप अलसी के बीज खाना स्टार्ट करोगे ना एक दिन में, तो एक दिन तो छोड़ो सर 10 दिन लगा दोगे 1000 mg को लेने के लिए। तो जो बेसिक डाइल्यूट ही हो जाएगा पर्पस, जिस काम के लिए डॉक्टर्स ने बोला है कि एडल्ट को भाई 1000 mg चाहिए, तो वो एक चम्मच ही 10 ग्राम का भी नहीं है सर, 5 ग्राम का होता है। अगर बड़ा वाला भी उठेंगे तब भी 10 ग्राम का हो, रेगुलरिटी में हजार आप एमजी ले भी मैं नहीं, मांग रहा हूँ आपसे, रेगुलरिटी में ले भी नहीं पाएंगे उसको। गाय थोड़ी ना बनना है खाते हुए, बिल्कुल हमें कुछ कॉन्सेंट्रेटेड वर्जन है जिससे कि एक तो वो रिजल्ट दे रहा है। देखो कोई भी इजी तो इजी टू इनटेक है। इजी टू इंटेक है, पानी से गर्म कर लिया, नहीं तो मैंने जब आपकी उसमें डाला तो मैं